हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हेयर विद द सेशन 3 ऑफ चैप्टर डेटा हैंडलिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। लाइक इन प्रीवियस सेशन आई हैव टॉक्ड यू अबाउट डेटा हैंडलिंग में, जैसे हमने बताया था बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं, सब चीजें हमने बताई थी। इस सेशन में हम कुछ डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो हमारा वीडियो एंड तक देखिएगा लास्ट तक, और जिसने हमारा इसका सेशन 1 और सेशन 2 नहीं देखा है, दे कैन सी फ्रॉम माय प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 7th इन माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, दैट इज फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। ये एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, फर्स्ट एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है। हमको इसमें क्या करना है, हमको यहाँ पे मीन निकालना है फर्स्ट 5 होल नंबर्स का। सबको पता होंगे मीन क्या होता है, मीन होता है एवरेज। एवरेज मतलब सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, उसी क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मीन। और यहाँ पे हमको निकालना है फर्स्ट 5 होल नंबर्स का। इट मीन्स होल नंबर्स कहाँ से होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो पहला होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये होंगे 6, यानी कि 4 तक इतने होंगे, यानी फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर क्या हो जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, ये हो गए 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए यहां पे मीन निकालना है, मीन्स देयरफॉर मीन एक्स बार विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ क्वांटिटीज, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये मीन का फॉर्मूला होता है, हर क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एंड जब टेबल के फॉर्म में दिया हो तो वहां पे सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लगता है। कमेंट में पूछा गया था किसी ने कि सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है सम ऑफ, यानी एफ इंटू एक्स करते हैं, फिर एफ एक्स का हम लोग सम कर लेते हैं, फिर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब देखिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हो जाएंगे 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन में क्या है 5 है। अब इनका एडिशन जल्दी से कर देंगे, इनका एडिशन कितना आ जाएगा करके देखिए अपने आप से, हम कर देते हैं 4 + 3 = 7, 7 + 2 = 9, 9 + 1 = 10। तो 10/5 यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मीन्स इसका मीन क्या आ गया, फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मीन आ जाएगा हमारा 2, और यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। मीन्स द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स इज 2, इसका आंसर स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये तो हो गया हमारा। द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ साइंस टेस्ट आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लिए। द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, इसको रब कर देते हैं, आगे ही कर देंगे क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। जिसने हमारा सेशन 1 और 2 नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नए बच्चे भी होंगे जिन्होंने पहले ही चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, तो वहां पे जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। The marks out of 100 obtained by a group of students in a science test. इसके नोट्स भी बना सकते हैं अपनी कॉपी में, एनसीईआरटी हेडिंग डाल के, एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे हमको दिए हैं द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस टेस्ट, यानी साइंस टेस्ट के मार्क्स दिए हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के, आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स हैं, तो देखिए 85, 76, 90, और यहाँ पे दिया 85, 39, 48, 85, 39, 48 and 56, 95, 81, 56, 95, 81 and 75, ये हमको यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं। अब हमको बताना है सबसे पहले कि इसका फर्स्ट में हमको बताना है हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स, यानी फाइंड क्या करना है, फाइंड फर्स्ट पार्ट है हमारा हाईएस्ट मार्क्स और एंड लोवेस्ट मार्क्स, तो यहाँ पे हम लोवेस्ट मार्क्स लिख देंगे, लोवेस्ट
मार्क्स। तो सबसे पहले हमको हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स बताने, तो देख के हम लोग बता सकते हैं, कुछ अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है। हाईएस्ट मार्क्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखिए सबसे ज्यादा नंबर कितने आ रहे हैं, आई थिंक 95, यही हमारा हाईएस्ट मार्क्स होगा, सबसे मैक्सिमम यही है। तो हाईएस्ट मार्क्स क्या हो गया 95, और लोवेस्ट मार्क्स देखिए सबसे कम यहाँ पे कितने आए हैं, 39 आए हैं। तो ये हमारा हो जाएगा लोवेस्ट मार्क्स, दैट इज 39। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर, हाईएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू 95 एंड लोवेस्ट मार्क्स इज इक्वल टू 39। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है, सेकेंड पार्ट कह रहा है रेंज ऑफ मार्क्स, यानी कि सेकेंड पार्ट है रेंज ऑफ मार्क्स। रेंज ऑफ मार्क्स हमने पिछले सेशन में आपको बताया हुआ, रेंज का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये क्या होती है, इसकी रेंज होती है। अब मैक्सिमम कितने हैं, 95 है, यानी कि हो जाएगा 95 और माइनस 39, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 15 माइनस 9 दैट इज 6 हो जाएगा, तो 6 हो गया, और 8 माइनस 3 दैट इज 5 हो गया, तो 56 क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। सेकेंड आंसर हमारा आ गया, फर्स्ट आंसर में हाईएस्ट मार्क्स 95 था और लोवेस्ट मार्क्स 39 था, तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट आती है रेंज, दैट इज रेंज का आंसर हो जाएगा 56। देख सकते हैं यहाँ तक सब लोग, अगर हमने कोई आंसर गलत दिखा तो कमेंट में जरूर कर दिएगा, तो उसको हम बाद में सही भी कर सकते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, व्हाट इज थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट हमारा है वी हैव टू फाइंड द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड। मीन का फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उसी मेथड को यूज करके यहाँ पे भी क्या निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं। तो हमको बताना है मीन मार्क्स, मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड। और जो हमने सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ बताया था वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो उसके चक्कर में बहुत ज्यादा परेशान की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही आपको मीन के क्वेश्चन मिलेंगे, जब टेबल आएगी तब वाला यूज करना पड़ेगा। मीन मार्क्स ऑब्टेन मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मींस सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हम शॉर्ट लिखते हैं, आप फुल में लिखिएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि जो ऑब्जर्वेशंस ऊपर दी हैं उनको क्या करना है, ऐड करना है, यानी 85 प्लस 76 75, 76, 90, 76 plus 90 plus 85, 76, 90, 85, 39, 48, 85, 39, 48 and 56, 95, 81, 56, 95, 81, 56, 95, 81 and next is 75, 75, ये हमारा सम हो जाएगा अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 ऑब्जर्वेशन है। अब इसको ऐड कर लेंगे, आप लोग अपनी रफ कॉपी में ऐड करके देख सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा। जैसा कि हम इसको अगर ऐड करेंगे तो इसका आंसर आना चाहिए, इसको ऐड करके देख लेते हैं, 730 आंसर आना चाहिए, एक मिनट ऐड कर लेते हैं, 85 प्लस 85, ये हो जाएगा 170 प्लस 90, दैट इज 260 प्लस 76, आप लोग देख लीजिएगा इसका आंसर 730 ही आएगा, हमने इसको ऐड करके देख लिया था पहले, तो 73 इसका मीन आ जाएगा, 730 अपॉन 10 करेंगे आंसर इसका 73 आ जाएगा, एक बार देख लीजिएगा सही क्या है कि नहीं क्या है, ऐसे ऐड करने में यही आना चाहिए 730। तो होप करते हैं यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, और सबको रेंज निकालना आ गया, रेंज होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको बोलते हैं रेंज। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज रन स्कोर्ड बाय अ क्रिकेट मैच इन 11 प्लेयर्स। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ तक सबका हो गया होगा, मीन निकालना पहले सीख ही लिया है सबने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब यहाँ पे मोड भी होगा और मीडियन भी होगा, और इस क्लास में हम आपको बताएंगे डबल बार ग्राफ के बारे में, जैसा कि पिछले क्लास में हमने विद लैक ऑफ टाइम के कारण हमने नहीं बताया था, यहाँ पे हम आपको बताएंगे डबल बार ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द रन्स स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स, द रन्स स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स
प्लेयर्स आर, तो रन्स हमको दिए हैं 11 प्लेयर्स के द्वारा जो रन्स बनाए गए हुए हमको यहाँ पे दिए हुए हैं, आर 6, 15, 120, 50, 180, 50, 180, 10, 15, 8, 10, 15, 10, 15, 8, 10, 15, ये हमको दिए, चेक कर लेते, 11 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, 11 लोगों के रन हमको यहाँ पता है, हमको निकालना है, फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड आर द थ्री सेम, तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड, और चेक करना है आर द थ्री सेम, आर द थ्री सेम, हमको पहले मीन निकालना है, मीन सबको पता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मोड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन यानी जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया वही क्या होता है मोड होता है, मीडियन मतलब होता है मिड वैल्यू, तो हमको चेक करना है कि ऑब्जर्वेशंस ऑड है इवन है, उसी के हिसाब से फॉर्मूला लगाना है मीडियन का। अब देखिए तीनों चीज को निकालते हैं यहाँ पे, चेक करते हैं क्या है इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले मीन निकालना है, तो मीन में तो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर मीडियन में आपको जरूरत पड़ेगी, तो पहले हम लोग डेटा को अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना थोड़ा सा जरूरी है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा नंबर है हमारा 6, तो 6 आएगा, फिर हमारा क्या है, फिर हमारा दूसरा नंबर है 8 है 1 टाइम्स, ठीक है, फिर हमारा 10 है 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स 10 है 1 और 2 टाइम्स, उसके बाद हमारा 15 है 3 टाइम्स, मीन्स 3 टाइम्स 15 है 1, 2 एंड 3, एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा 15 हो गया, उसके बाद हमारा है 50 वन टाइम्स है, फिर 80 है और फिर 100 है, 80 है एंड लास्ट इज 100, चेक कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक कोई नंबर छूट गया है, लास्ट में 120 भी है, यानी 120 हमारा लास्ट है। तो सबसे पहला काम करते हैं मीडियन निकालने के लिए, डेटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो बहुत जरूरी है, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 11 है, तो 11 क्या है, 11 इज ऑड, तो वहां से हम लोग निकालेंगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं मीन मीडियन और मोड ऐसे निकाल देंगे। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे मीन, तो मीन निकालने के लिए पता ही है सबको, मीन एक्स बार से डिनोट करते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये हो जाएगा हमारा मीन। अब हम लोग मीन कैसे निकालते हैं यहाँ पे देखिए, दैट इज सम करेंगे सबका, तो 6 प्लस 8, 6 प्लस 8, और मोड निकालने के लिए भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है देखना कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार टाइम्स आया, 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 15 15 प्लस 50 80 100 120 50 80 100 और 120, तो एक बार हमको चेक यहां भी करना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 है कि 11 हमने यहां पे लिखे है कि नहीं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अब ऐड करते हैं, तो ऐड देखिए कैसे हम करते हैं, 6 प्लस 8 हो गया 14 और 10 10 हो गया 20 14 हो गया 34 34 प्लस 45 34 और प्लस 45, ये हो जाएगा 79 हो गया 79 और 80 50 130, तो 79 प्लस ये हो जाएगा 120 प्लस 80 हो जाएगा 200 250 और 100 350 अपॉन 11 इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 329 आ जाएगा सर 429 आ गया यहाँ पे 429 अपॉन 11 और इसको आप देख लेते कितना आएगा कट करके तो 11 वन टाइम्स 11 11 थ्री टाइम्स 33 होता है बचा 9 तो 11 9 39 इसका आंसर आ जाएगा आप एक बार देख लीजिएगा 39 इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है मीन हमारा आएगा 39
अब देखते हैं मोड। मोड मतलब क्या होता है? मोड होता है हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो मैक्सिमम टाइम्स नंबर आया है वही होता है मोड। तो मोड होता है हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन यानी कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है वही होता है मोड। तो देखेंगे यहाँ पे मोड क्या होगा। देखिए 10 आया यहाँ पे 2 टाइम्स, पर 15 आया यहाँ पे 3 टाइम्स, 1, 2 और 3, तो इसका मोड हमारे हिसाब से 15 ही होना चाहिए, यही हमारा इसका मोड होगा। तो एक बार आप भी ऑब्जर्वेशंस को देख लीजिए, कहीं गलत तो नहीं लिख दिया है। अब नेक्स्ट आते हैं इसका मीडियन। तो मीडियन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 11 है। मीडियन में एन इक्वल टू क्या है? एन इक्वल टू है हेयर, एन इक्वल टू है 11 और विच इज ऑड। जब मीडियन में एन की वैल्यू ऑड होती है तो फॉर्मूला क्या लगता है? मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस वन टर्म अपॉन टू, यही होता है। अब देखिए एन प्लस वन यानी 11 प्लस 1 अपॉन टू टर्म करेंगे और ये हमारा जाएगा 12 अपॉन टू, दैट इज 6th टर्म। तो 6th टर्म की वैल्यू हम लोग चेक कर सकते हैं क्या यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये भी हमारा क्या है 15 है। तो मीडियन भी आ गया 15, मींस मीन हमारा 39 था, मोड हमारा 15 है और मीडियन हमारा 15 है, तो दे आर नॉट सेम क्योंकि मीन हमारा 39 आया। तो आंसर हो जाएगा दे आर नॉट सेम। आंसर लिख सकते हैं सिंस मीन इज इक्वल टू 39, मोड इज इक्वल टू 15 एंड मीडियन इज इक्वल टू 15, सो दे आर नॉट सेम। एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए कैसे हमने किया है, होप करते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी आपको। सारी वैल्यूज को एक बार कैलकुलेशन भी देख लीजिए, मोड होता क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन, मीडियन क्या होता है, और मीडियन में हमने जैसे आपको पिछले वीडियो बताया था हम लोग ऐसे कट करके भी निकाल सकते हैं, इधर से हम कट करेंगे उधर से भी कट करेंगे तो आखिर 15 बचेगा, वही हमारा मीडियन भी हो सकता है, तो उससे भी कर सकते हैं, पर फॉर्मूले को ज्यादा प्रेफर करेंगे एग्जाम में, उससे और इजी हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, दैट इज डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ कैसे बनाते हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डबल बार ग्राफ पिछले क्लास में डबल बार ग्राफ नहीं बताया गया होगा तो यहाँ पे हम बताएंगे आपको। अब देखिए डबल बार ग्राफ एग्जाम में ही पूछा जाएगा, बार ग्राफ क्योंकि 6th में आता था तो डबल बार ग्राफ यहाँ 7th में आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान देखिएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म, क्वेश्चन नंबर 4, द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट, शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि जगह यहाँ पे कम रहती है। द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवेन, इन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म इज गिवेन, परफॉर्मेंस दी हुई है हमको बताना है यहाँ पे। ड्रॉ डबल बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग। पहले हम डबल बार ग्राफ बनाएंगे फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए कैसे इसकी टेबल हमको दी है, सब्जेक्ट दिया है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, यहां दिया है हमको सब्जेक्ट, यहां दिया फर्स्ट टर्म, यानी कितने हैं आउट ऑफ 100 में से हैं, आउट ऑफ 100, और दिया है सेकेंड टर्म और ये भी कितने में से है आउट ऑफ 100। अब देखिए यहाँ पे हमको यहाँ पे मार्क्स दिए होंगे सब्जेक्ट के वाइज और इसको हम ऐसे यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट टर्म के मार्क्स और लास्ट में आ जाएंगे सेकेंड टर्म के मार्क्स। तो क्लियरली सबको विजिबल होगा यहाँ पे कैसे किया गया है। अब देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, कौन कौन सब्जेक्ट है हमारे, इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस SST, इंग्लिश हिंदी मैथ्स साइंस और लास्ट है सारे मेन सब्जेक्ट है हमारे SST, ये हो गया। मार्क्स हमको दिए 67, 70, 72, 65, 88, 95,
88, 95 and 81, 85, 81, 85 and last is 73 or 75, 73 or 75. तो ये आपका क्वेश्चन है, हमको सबसे पहले डबल पैराग्राफ बनाना है, फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर भी देना है. तो पहले हम बताते हैं डबल पैराग्राफ कैसे बनता है. स्केल अपने आप से लेनी है. डबल पैराग्राफ में दो एक्सिस, ये एक्स वाई एक्सिस और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, दो एक्सिस बन गए. दोनों एक्सिस का मीटिंग पॉइंट होता है ओरिजन, तो ओरिजन को हमने ओ से रिप्रेजेंट कर दिया. अब देखिएगा यहाँ पे हम जैसे हम लोग यहाँ पे स्केल क्या ले सकते हैं, सब 100 के अंदर है तो 10-10 की स्केल ले सकते हैं. ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स, तो ये लिख सकते हैं स्केल ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स. 1 सेंटीमीटर कितने मार्क्स से इक्वल होता है, 10 मार्क्स से, क्योंकि यहाँ पे जो एक एक छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं वो कितने 1-1 सेंटीमीटर के होते हैं और उसके अंदर सब डिविजन होते हैं 10, वो 1-1 mm के होते हैं ग्राफ पेपर जैसा आप देखेंगे. और x एक्सिस में हम लोग लिखेंगे नेम ऑफ सब्जेक्ट्स और y एक्सिस में हम लोग मार्क्स. तो मार्क्स देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे 0 के बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, कम कर लेते हैं इसको, ऊपर तक कर देते हैं यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ तक है, और इसकी गैपिंग कम कर देते हैं क्योंकि जगह यहाँ पे कम है थोड़ी सी. 40 के बाद यहाँ से कम कर देते हैं 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100. ये हो गया हमारा ग्राफ. अब यहाँ पे डबल बार ग्राफ है, यानी कि यहाँ पे पहले 1 सेंटीमीटर के गैप छोड़ते हैं, फिर पहला बार बनाएंगे फर्स्ट टर्म का, दूसरा बार बनाएंगे सेकेंड टर्म का, फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का गैप यहाँ से पहला बार ग्राफ ये, दूसरा ये सेकेंड टर्म का, फिर 1 सेंटीमीटर का गैप पहला बार ये और दूसरा बार ये, तो कितने हो गए 1, 2, 3 हो गए, दो और बनाने हैं. फिर 1 सेंटीमीटर का गैप पहला बार ये और दूसरा बार ये हो गया, फिर 1 सेंटीमीटर का गैप पहला बार ये और दूसरा बार ये हो गया, हो गया. अब देखिए सबसे पहले हमको बताना है इंग्लिश में 67 है फर्स्ट टर्म के, तो इधर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट टर्म बनाएंगे और राइट हैंड साइड सेकंड टर्म बनाएंगे. तो फर्स्ट टर्म में 67 मार्क्स हैं, तो 60 10 का गैप होता है, तो 67 आप ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 से थोड़ा सा ऊपर और ये इसका बार ऐसे कुछ बन जाएगा 67, और कम कर देते हैं ये हमारा 67 का बार हो गया. क्लियर है, 1 सेंटीमीटर जो इसकी विथ है वो 1 सेंटीमीटर है. अब दूसरे टर्म में इसने 70 मार्क्स लाया, तो 70 से थोड़ा सा ऊपर होगा, यानी यहाँ पे 70 होगा और उसको जोड़ के ही बना देंगे, तो ये हमारा दूसरा बार हो गया 70 का और इसको हमने यहाँ पे ऐसे करके ज्वाइन कर दिया. अब देखिए दोनों सेम ना लगे तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कलर कर देते हैं एक को, यानी यहाँ पे एक को प्लेन रहने देंगे और दूसरे को हम ऐसे डैश डैश कर दे रहे हैं, और यहाँ पे हम स्केल में लिख दे रहे हैं ब्लॉक खाली जिसमें हो जाएगा फर्स्ट टर्म मार्क्स, और दूसरे ब्लॉक में हम डैश डैश कर देंगे यानी कि शेडेड, ये हो जाएगा सेकेंड टर्म मार्क्स. तो ये लिखना बहुत जरूरी है, फर्स्ट टर्म मार्क्स में ब्लैंक और सेकेंड टर्म मार्क्स में डैश हो गया. अब देखिए इतना बनाने के बाद 1 सेंटीमीटर की गैपिंग छोड़ते हैं, फिर सेकेंड वाला हिंदी का, ये हमारा हो गया किसका, इंग्लिश, दूसरा हमारा है हिंदी. तो हिंदी में देखिए क्या है, 72 है, तो 70 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा 72, मान लीजिए ये ऐसा आ गया तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये फर्स्ट टर्म मार्क्स आ गया. अब दूसरा 70 का, एक मिनट थोड़ा सा, 72 था ठीक है, फिर हमारा दूसरा है 65, तो 65 यहाँ पे लगभग आएगा इससे नीचे, यानी कि 65 हमारा यहाँ पे ऐसे कुछ बन जाएगा. तो ये हमारा सेकेंड टर्म का हो गया और ये इधर फर्स्ट टर्म का, तो ये हमारा था हिंदी का बार ग्राफ, हिंदी. थर्ड हमारा मैथ्स का 88 से ऊपर, यानी कि यहाँ पे जाएगा हमारा 88, दैट इज ये हमारा हो गया 88 का, ये हो गया 80 और 8 यहाँ पे आएगा ठीक है. और दूसरा हमारा 95 है, तो 95 एकदम ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, और इसको हम यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा टर्म 2 का हो जाएगा, दैट इज मैथ्स. अब देखिए नेक्स्ट है हमारा साइंस का, मैथ्स
नेक्स्ट हमारा किसका है, नेक्स्ट हमारा है साइंस का 81, तो 80 से थोड़ा सा ऊपर स्केल, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी रहेगी तो हम यहाँ पे ऐसे कर दे रहे हैं, ये हमारा है 81, ये हमारा 81 का हो जाएगा फर्स्ट टर्म, और दूसरा हमारा 85, तो 85 थोड़ा सा ऊपर जाएगा, नहीं यहाँ तक जाएगा, इसको देख लीजिएगा यहाँ तक है हमारा 85 यहाँ से, और ये है किसका, ये हमारा साइंस का, साइंस, और लास्ट हमारा है एसएसटी का 73 और 75, तो 70 से ऊपर यानी कि यहाँ तक जाएगा 73, और दूसरा हमारा 75, तो इससे थोड़ा सा ऊपर, दैट इज यहाँ पे 75, तो ये हमारा किसका है, ये हमारा है एसएसटी का। यहाँ पे हम लोग वाई एक्सेस पे क्या लिख सकते हैं, वाई एक्सेस था, इस पे लिख सकते हैं मार्क्स, मार्क्स, और यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। तो क्लियर है, इतना ही बनता है हमारा डबल बार ग्राफ में, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, सब लोग को ध्यान से देख रहा होगा कैसे हमने बार ग्राफ बनाए, थोड़े बार आपको टेढ़े मेढ़े लगे तो कॉपी में आप स्केल से बनाएंगे। अब इस पे क्वेश्चन जो पूछा गया है, वो पूछा गया है इन विच सब्जेक्ट द चाइल्ड हैज इंप्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किस सब्जेक्ट में आया परफॉर्मेंस में, तो देखिए सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे इंप्रूवमेंट आया 3 नंबर का, यहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं आया, यहाँ पे आया 7 मार्क्स का, क्योंकि 95 - 88 करेंगे तो 7 होगा, यहाँ पे 4 मार्क्स का है, यहाँ पे 2 मार्क्स, तो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किस में आया है, मैथ्स में आया, तो मैथ्स में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, सबसे कम इंप्रूवमेंट किसमें आया है, तो देखिए 7 नंबर इंप्रूवमेंट यहाँ पे, 3 नंबर यहाँ पे और 2 नंबर यहाँ पे, तो सबसे कम इंप्रूवमेंट है एसएसटी में, एसएसटी में लीस्ट इंप्रूवमेंट है। थर्ड क्वेश्चन हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, क्या किसी सब्जेक्ट परफॉर्मेंस डाउन हुई है, यस हिंदी में डाउन हुई है, तो हिंदी में परफॉर्मेंस कम हुई है, तो इसके 3 आंसर यही है। पहला आंसर था कि इम्प्रूवमेंट सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में हुआ है, तो मैथ्स में हुआ है, दूसरा सबसे कम किस में हुआ है, तो एसएसटी में हुआ, और तीसरा कि परफॉर्मेंस किस में डाउन हो गई है, तो हिंदी में डाउन हो गई है, तो यही इसके आंसर हैं। होप करते हैं यहां तक सबका हो गया होगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन हमने प्रोबेबिलिटी का भी यहाँ पे लिया है, ये स्केल देख लीजिए, स्केल यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है, एक क्वेश्चन ने इसमें प्रोबेबिलिटी का भी लिया है, तो उसको भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, प्रोबेबिलिटी सबको बताइए क्या होता है, इट इज द चांसेस ऑफ अकरेंस या नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट, और बहुत कम पार्ट है आपका प्रोबेबिलिटी में, हमने फॉर्मूला भी बताया था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये होती प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिया है देयर आर 6 मार्बल्स, क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे 5, देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विद नंबर फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच अदर, इन अ बॉक्स विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम, ये है हमको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल मार्क्ड विद नंबर 2, What is the probability of drawing a marble marked with number two and number 5? इसको अलग कर देते, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा, marked with number 2 B पार्ट है, What is the probability of drawing a marble marked with number 5? तो ये हो गया हमारे 2 questions। अब देखिए प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितनी है, टोटल आउटकम 6 मार्बल है, तो उसमें 6 नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कोई भी एक नंबर आ सकता है, यानी कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 6 आउटकम्स होंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2
टू क्या हो जाएगा, नंबर टू का एक ही होगा और टोटल क्या होंगे, सिक्स होंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा वन अपॉन सिक्स। फॉर्मूला आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, फॉर्मूला लिख सकते हैं सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन अपॉन सिक्स आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दिया है, टोटल आउटकम्स यहाँ पे सिक्स होंगी क्योंकि जो मार्बल है वन से सिक्स तक नंबर मार्क है, तो एक से छह तक कोई भी नंबर आ सकता है, वो हो गई टोटल आउटकम्स। और टू आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ वन, एक ही बार टू आएगा तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वन अपॉन सिक्स। सिमिलरली यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी सी कितनी हो जाएगी, इसकी भी सेम प्रोबेबिलिटी होगी क्योंकि फाइव तो एक ही बार आ सकता है, तो फेवरेबल आउटकम्स होगी वन। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल, ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर टू, विद नंबर फाइव, विद नंबर फाइव, तो इसका भी क्या आंसर आ जाएगा, वन अपॉन सिक्स, क्योंकि फाइव नंबर एक ही बार आ सकता है, मीन्स इसका भी आंसर आ गया वन अपॉन सिक्स। तो देख लेंगे प्रोबेबिलिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद हम आपसे मिलेंगे लाइव सेशन में, चैप्टर डेटा हैंडलिंग का जो होगा। अब हमारा टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है, शाम के 7 बजे लाइव सेशन रखेंगे। कुछ लोगों का प्रॉब्लम थी कि 6:30 बजे नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं विद सम रीजंस, तो 7 बजे का टाइम रहेगा और आप लोग उसको ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। हमारे चैनल पे डायरेक्ट आप चैनल ओपन करेंगे, वहाँ पे लाइव सेशन की क्लास आ जाएगी आपके पास, वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।